तफसीर कबीर च इमाम राज़ी लिखते हैं एक दिन नबी मूसा अल्लाह के लाडले नबी सन तो ख्याले पै गए अल्लाह जी तुम सौंदे नहीं फरमा नहीं फरमा तू मूसा सौन की गल करना मूसा मैं ऊंघ भी नहीं आती अल्लाह कि ऊंघ भी नहीं आती फरमाया हाँ फरमाया और आ गल सुन दुआ हाथा जी ना दो बोतल फड़ा दतिया मूसा खलोता रही खलोत्या खलोत्या ऊंग आई हाथ ढिले हुए बोतल टुट गई छुट्टियां हाथ जो बंदे ऊंग आए ना हाथ चो चीज फड़ी हुए तो थले डिग पी नबी मूसा को भी बोतल डिग पी मूसा बोतल तोड़ दी नहीं अल्लाह ऊंग आ गई फरमाया तेन ऊंग आई बोतल टुट गई जे मैं सौ जाव बोलो मैं सौ जाता ते आदम की तौबा कबूल कौन करता मैं सौ जांदा ज़करिया नू 120 साल दी उम्र च पुत्र कौन देंदा मैं सौ जांदा इब्राहिम नू चीखा चो कौन बचांदा मैं सौ जांदा इस्माइल नू छुरी थल्यों कौन बचांदा मैं सौ जांदा यूसुफ नू डूंगे खूहां चो कढ़ के मिस्र दे तख्तां ते कौन बिठांदा मैं सौ जांदा यूनस दियां समुंदरां दियां तहवां दे अंदर मच्छी दे पेट च कौन सुणदा मैं सौ जांदा अयूब नू शिफावां कौन देंदा मैं सौ जांदा बदर उहद खंदक खैबर दे अंदर हिफाजत कौन करदा मैं सौ जांदा नबी नू यहूदन दे ज़हर कोलों कौन बचांदा मैं सौ जांदा नबी नू यतीम पैदा करके रातों रात सत्ता आसमाना दी सैर कौन करांदा ओए रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं सुना दिया रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं राखी करा जगदी मैं अंग लाउंदा नहीं अल्लाह लाला तू क्यों मेरे कोल आउंदा नहीं कहो ला इलाह फिर कह दियो ओ मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं मुल्तान जाएगा तो कराया ला के जाएगा बोल दे रही किसी दरबार से जाएगा अजकल ते तेल भी बड़ा महंगा हो गया कोई लीटर ला के जाएगा अल्लाह लाला ओ मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं कहो ला इलाहा उची पढ़ लो ला इल्लल्लाह अल्लाह लाला ला गल बड़ी बाकमाल बड़ी ला जवाब अल्लाह लाला मेरे दर ते आएगा इत्थे कुछ नहीं लैके आएगा इत्थों सब कुछ बोलो दे सही सब कुछ ले दुनिया के दरबार ने ना बकरे खड़ना छतरे खड़ना चौलां दियां देगां भी खड़ना पता नहीं की खड़ना उत्थे सब कुछ लैके जाएगा उत्थों कुछ नहीं लैके आएगा अल्लाह दे ने मेरे दर ते आएगा इत्थे कुछ नहीं लैके आएगा सब कुछ लैके जाएगा सब कुछ लैके जाएगा अल्लाह लाला फिर मैं क्यों ना कह दिया इंसान जदो तन्हाई च बह के अपने रब नूं कहिंदा है अपने रब दे सामने झुकदा है ते अल्लाह कोलों मंगदा है ते रब आंदे ने तू पूरी दुनिया तो कट्टा पो के मेरे कोलों मंगना है ते मैं फिर तेरी जबान चो अल्फाज जुदा नहीं हुंदे मैं पहलू ही सारा कुछ अता कर देना वा इस वास्ते मंगना है ते किदे कोलों बोलो किसे मंगते कोलो नहीं मंगना जिते आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारे टंग के يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ खजूर की गिटक वेखी जे ओ अंदर धागा एक होंगे धागा
गिटक दे उते एक पतली जी चिल्ली हुंदी है इनू अरबी चांदे ने कितमीर रब्बा दे मिन्नू छड के जिन्ना को मंगना ये धागे ते छिलके दे भी मालक नहीं ते तेनू 5 किलो दा मुंडा कितों देणगे तू एवें आना लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र कुकड़ा तो पुत्र मिलदे सारे पोल्ट्री फार्म वाले लै जांदे क्यों तीक भाई आप साहब जे ना बाबिया के हाथ वस पुत्र धियां होंदियां भाबिया ले ना काणी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी साडे कल्ले कारी यकूब दे 28 बाल मैं क्या पहलू 26 मनू कारी साहब मेरे कहने रुआट ठीक कर 27 ने फिर मैं क्या 27 फिर मिले एक जलसे कहने लगे रुआट ठीक कर 28 ने कौन देंदा उची बोलिया जे किदे कोलो मंगना अजे नहीं बोल दे अल्लाह कोलो होर मंग होर मंग होर तो ना मंग कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग मंगन वाला वेखो यारो सारा जग जे अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे मंगन वाला वेखो यारो सारा जग जे अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे 2 3 5 किसे 4 तो ना मंग बोलो किदे कोलो मंगना सारे नहीं बोलदे अल्लाह कोलो मंगना ओदे कोलो मंगदा मंगदा मर जा सीधा जन्नत ही जाएगा ते जे गैर अल्लाह कोलो मंगदा मर गया फिर समझी जहन्नम वड़ते पई है इस वास्ते मेरे भाईयो अल्लाह दे ने मिन्नू छड़ के जिन्ना को मंगना है एक कुरान दी मैं कुरान पढ़ रहा सा नौवां पारा इन्नल्लज़ीना तदउन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम और मिन्नू छड़ के जिन्ना को मंगदे होए तुहाडे वर्गे बंदे ही ने और थोड़ा सुनावा कुरान बोलो किते अल्लाह दे ने जिन्ना को मेनू छड़ के जिन्ना को मंगना है अरूनी माजा खलकू मिनल अर्द मेनू वखाते सही इना मेरी जमीन ते बनाया की है अरूनी मेनू वखाओ अल्लाह दा चैलेंज देखो छबियां पारा मिन्नू छड़ के जिन्ना को मांगने वत्ता खजू मिन्दू नहीं आलिहत अल्ला यखलुकू न शैया मिन्नू छड़ के जिन्ना को मांग दे ओ इना कोई चीज भी बनाई किदे कोलो मांगना है जिन्ने पूरी कायनात नू सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा रोजी पे देंद एक नगरान उसदा कीती डाई फिट ते रखिया सचाए बाहर निकले चू चू करदा बचाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई आंडा वेख्या जे ओ आंडे ओ बोलो तुसी आंडा वेख्या आंडे च किन्नियां चीजां ने दो एक सफेदी ते एक जर्दी अलग ने मिक्स ने अलग आंडा लोड हुंदा फिर भी हिलदा लांदे हो फिर भी हिलदा छापर च पा घर लिया फिर उत्तों आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत वे मैं आंडे की सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दित्ता जिस आंडे की सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्हूं की आंदे हो आंडा गंदा है जिवें मुशरक गंदा होवे आंडा गंदा ते आंडे नूं कित्थे सुट्टदे हो जिहड़ा गंदा होए नाली च गंदी टोकरी च गंदी रूड़ी ते एवें ही है ना तो उत्तों आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना ही नहीं ते तेनू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा ए आंडा है जिहड़ा मुर्गी थले आउंदा है देसी फार्मी दी नहीं गल मैं करदा फार्मी दे 40 दिनां ही तैयार जिहड़े मौलवी नूं खवाओ 20 दिनां ही तैयार क्यों बात ही
हां जी ये ना खवाया करो, ये खवा के कई आंदे ने तौहीद बयान करो। मैं क्या फार्मी का तौहीद का की जोड़े भाई, देसी आंडा मुर्गी थले आ जे आंडे की सफेदी है ना यदा चूजा बनता है, ते जर्दी नू अल्लाह चूजे की खुराक बनाते ने आंडे के अंदर। गल दी समझ आई? हुण निकी निकी लुई चढ़ गई, चुंज बन गई, पहुंचे अल्लाह ने चूचिया बारा। वो आंदा अल्लाह छैड़ी कोनी थौड़ा कोनी, ना को बूआ ना को बारी, आवां किवें? फरमाया तेनू निकी छानी दी, इहनू अंदरों मार सू। अंदरों मारदा चिल्लट टुट गई, चूजा बाहर आ गया, मां ना चुगन दिया। बहावलपुर दे के स्कूल कॉलेज च नहीं पढ़िया, कुत्ते नू वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा। मैनू दसो केड़ी जात ते जिन्ने आंडे दी सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होण दित्ता, वो केड़ी जात ते जिन्ने सफेदी दा चूजा बना के जर्दी नू ओदी खुराक बनाया, वो केड़ी जात ते जिन्ने ठूंगे मारन दीआं जाचां दसियां ने, वो केड़ी जात ते जिन्ने इहनू सज्जन दुश्मन दीआं तमीज़ां दित्तियां ने। अगे वारी आ गई तेरी मेरी, मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने, कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़ दाए, बंद कमरे विच मटीरियल लोड़ दाए, पिशा मार खा छाती वेख औकात अपनी, नौ महीने वाली लम्मी रात अपनी, पानी दा एक कतरा बस गल समझाइए, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए। चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नूं, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं, खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणां विचों निकलियां चिट्टियां धारां, बोलदे नहीं भाई। थले कट्टा छड़ दे, दो मूह मारे कट्टे ने पूरा दुद्ध ने हवाने जलाया, इन्हें वेखा हवाना भर गया, जिदे बाद लाए उन्हें मूह तो फट के खिंचया ते जाके मझ दे अगे ही बन दिता। मझ उन्हें चुमदी है नाले छड़दी है ते नाले आंदी पुत्तर चुप कर साडे नाल इवें होणी है। आप फड़ी सू बाल्टी थले बह गया ते उन्हें आने परता के गुस्से नाल वेख्या मेरा काला ही उहदे मेरे अगे बजा, चिट्टा कित्थों बह गया? इन्हें फड़िया थन मारी धार सीधी मूह दे, उन्हें मूह परा कर लिया। उत्तों आवाज आई, तुहाडे मां पुत्रां नाल होई ज्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलाणी ते लत भी नहीं हिलाणी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण लग्या दुध चोण, अल्लाह ने मेरी रबूबियत फिर वे हवाना दुध ना फुल, इहदे च प्रेशर भी बड़ा है, थले मैं चार बोतलां फिट कीतियां ने, उहना बोतलां दा मुंह भी ठां है, थले मैं ढक्कण भी कोनी लाया, पर मेरी रबूबियत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं होने दित्ता। तैनूं अजे भी उहदी समझ ना लगी, हुण दुध चोण लग्या। अजे जफरी दे मुंडे ने कैमरा फिट कीता है, इस रही उत्तों कैमरा फिटे मिंबई ने फरसिम वादा मिल्ला बना ने खाले सन, एक पासे गोबर दी नाली, पेशाब दी नाली, खून दियां नालियां, दरमियान च दुध दी नाली। अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख, मैं कदी दुध दे अंदर गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दिती, कदी खून दा कतरा मिक्स। लाबानन खालिसन, खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दी लाण दे, बोल दे नहीं। खालिस दुध मैं देना ते खीरां गैरुल्ला दे नां दीआं पका के वंडण दे, पठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने, दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाने आ मर जाना ही मालिक जिंदा ए, ढिड्डा दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने, किते बनदा पिया बंदा किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाने आ मर जाना ही मालिक जिंदा ए।
अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की जात हो जिन्हों ऊंग भी नहीं आती उची बोलो नींद भी नहीं आती अल्लाह अकबर नबी की जात हो सही बुखारी दी आका एक सफर के अंदर ने एक जगह से पड़ाव डालिया बिलाल तू नहीं सौना असी सौन लगे हाँ असी सौन लगे हाँ बिलाल तू नहीं सौना फजर की अजान भी कहनी है नमाज वास्ते ठाणा है सिहाबा सौ गए आका सौ गए तो बिलाल भी थकिया सी ते कहन लगा टाइम वावे ते मैं भी थोड़ा जिहा लख सीधा ना कर ला बिलाल ने उठनी ना टेक लाई बिलाल हरी भी सुबह दा सूरज चढ़िया शुआमा आका दे चेहरा नबूवत ते पईया ओ बिलाल बिलाल जी जी आका ओ तेनू क्या ही नमाज वास्ते ठाणा तू भी सौ गए है ते बिलाल आंदे ने महबूब जी जिस रब ने थानू सवाया उन्हें मेनू भी सवा चढ़िया उन्हें मिन्नू भी सुआ छड़िया नबी दी जात सौ जांदी है अल्लाह दी जात सौंदी नहीं नबी दी जात नूं ऊंग भी आउंदी है अल्लाह दी जात नूं ऊंग नहीं आउंदी जेड़ा सौ जाए बहावलपुरियो मुश्किल कुशा नहीं हाजत रवा नहीं मुख्तारे कुल नहीं गंज बख्श रंज बख्श नहीं लजपाल नहीं आ ना मेरे दोस्त है ही मसलक है ही मनहज है अल्लाह ते नबी दी जात एक नहीं बात दुआ दी एक दलील नंबर चार वमा कान रब्बू का नसीया अल्लाह दी जात तो है जड़ी भूल दी नहीं ते नबी दी जात भूल जांदी है सही बुखारी आपने जोर दिया पढ़ानिया चार सन पढ़ा पांच गड़छड़िया सल्लत जोहरा खमसन सहाबा ने अल्लाह रसूल अगे तुसी चार पढ़ांदे हो हुण पांच फरमाया नहीं मैं चार पढ़ाईया सहाबा पांच कह रहे ने आका चार कह रहे ने नबी नु इल्मे गैब सी पंजां नु चार क्यों आंदे रहे बोलिए अच्छा पांच पढ़ाइया ने चलो फिर मुंडो छुडो पढ़ ली पहली फासक हो गई सही गल हनफी जिन्हें ने ना मैनु एक दिन ना उकाड़े कहने तो एक फौजी ने फोन किया मौली साहब ने सानू ना पांच पढ़ा छड़िया ने ता क्या पांच पढ़िया ने उन्हें क्या फासक हो गई है फिर दूजी दफा पढ़ाई उन्हें तिना दे सलाम फेर लई है हुण तीन ठीक ने पांच ठीक मैं क्या उन्हें पहलू पांच पढ़ाइया ने ना बाद चो उन्हें तीन पढ़ाइया में चार चार हो जाए हैं नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा नमाज पढ़ाई नहीं पांच पढ़िया ने जी साजदा सजदा तईन आपने दो सजदे कीते इन्हां नूं कहा जांदा सजदा साहब साहब दा जिहड़ा सजदा ना ये नबी दी भुल आका दी भुल नूं भी रब ने साडे वास्ते दीन बना छड़िया सजदा साहब नमाज दे कम होते या नमाज दी ज्यादती ते पैंदा है नबी अलैहि सलातो वसलाम ने ना दो सजदे कीते ते आप उठ के खड़े होए ते फिर फरमांदे ने इन्नामा अना बशरुम मिसलुकुम अनसा कमा तन सऊन फैजा नसी तो फजक के रूनी ओ मेरे सियाबियो मैं थोड़े वांगू बशरा जिवें तुसी भुल जांदे हो मैं भी भुल जाना जदों मैं भुल जावां तुसी मैनू याद करा दिया करो आपने असर दियां दो पढ़ाइयां पढ़ानियां किनियां सन दो पढ़ के सहाबा निकल गए किसे सहाबी ने कोई गल नहीं की थी इत्थे अल्लाह करे मौलवी भुल ना जाए बाबा मौलवी दी जान नहीं छड़दा हर मसीह च एक बाबा हुंदा है जिहदे को मुक्त दी मौलवी तंग हुंदा है क्यों बाबा घरों नोआ तो तंग मसीते मौलवी ओहदे तो तंग ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि पूरा पाकिस्तान में फिरना होता है मनु किसी ना किसी को बाबे लभ जाते तो बहरहाल हुण आका इस्लाम ने दो पढ़ाइया सहाबा निकल गए ज़ुल यदैन एक झटका आदमी सी पेंडू वो कोल बैठा आंदा अल्लाह रसूल नमाज कम हो गई है तुही भूल गए फरमाया नहीं नमाज ते नहीं कम हुई तुही भुले फरमाया नहीं ते फिर अल्लाह रसूल दो क्यों पढ़ाइया जी ओ नहीं नहीं ज़ुल यदैन मैं चार पढ़ाइया ने अल्लाह रसूल दो पढ़ाइया ने सहाबा नूं वापस आवाज मारी ओ सादा का ज़ुल यदैन आ सच कह रहा दो पढ़ाइया जी जी अल्लाह रसूल दो ही पढ़ाइया ने ये सच कह रहा है आपने दो होर पढ़ाइया सजदा साहब कीते सलाम फेरिया फिर आका खड़े होए फरमांदे ने इन्नामा अना बशरुम मिसलुकुम अनसा कमा तन सऊन फैजा नसी तो फजक के रूनी ओ मेरे सहाबियो मैं थोड़े वांगू बशर हाँ जिवें तुसी भुल जांदे हो मैं भी भुल जाना जदों मैं भुल जावां तुसी याद करा दिया करो अल्लाह दे रसूल पिछे अल्लाहु अकबर कहना फरमाया नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना फरमाया नहीं अलहम्दुलिल्लाह कहना फरमाया नहीं जदों मैं भुल जावां कहना सुभान अल्लाह सोहणिया तुसी भुल गए हो अल्लाह भुलण तो पाक अल्लाह इस वास्ते नबी दी जात ते अल्लाह दी जात एक
नहीं आखिरी दलील वमा तशाऊन इल्ला अय्यशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे ओ ही हुंदा है, जो जग चाहे ओ नहीं हुंदा, जो नबी चाहे ओ भी नहीं हुंदा। नबी देख से अभी कहने लगे जो अल्लाह तो उदा रसूल चाहे, नबी अली सलाम फरमान लगे ये ना कह, ये कह कुल शा अल्लाह वहदा, जो कल्ला अल्लाह चाहे, ये ना कह जो अल्लाह तो उदा रसूल चाहे। नबी अली सलाम ते वही बंद हो गई, 17 दिन वही ना आई। जो पूछा ही असाबे काफ कौन ने किन्ने ने रूह की चीज है, ज़ुल्करनैन कौन सी, आपने फरमाया कल आया दसांगा, कल आया दसांगा, इंशाल्लाह क्या ही ना। ते रब्बे कायनात ने सूरा काफ च फिर किया मेरे महबूब जी इल्ला अय्यशा अल्लाह, जदों भी कोई वादा करो मिनू भी चो ना कड़ो, क्या करो इंशाल्लाह कल मैं दसांगा। जल्दी समझ आ रही जी, हुण नबी अलैहि सलातो व सलाम जो चाहन ओ नहीं हुंदा, जो रब चाहे ओ हुंदा। कुल्ला अमली कुल नफसी नफअ वला जर्रा इल्ला माशा अल्लाह। सूरत अलआराफ आयत नंबर 188 है, सोनिया कह दियो मैं अपनी जान दे नफे नुकसान दा मालक नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। जो तुही भी वादा करो तो की कहना है इनशा अल्लाह। मतलब जट आला साहब ना हो, कोई जट सी ना, वो मज लैन चला तो मौल साहब पूछ लगे कितने चलो चोर साहब मज लैन, उन्हें कहा कवो इनशा अल्लाह मज लैन चला। उन्हें कहा मौलवी जी तुम 24 घंटे तबलीग ही करते रहते हो, पैसे मेरे को मैं मज लै आनी, वो कितने मंडी जी गया जेब कट ली, वो वापस आया ना तो मौली साहब आते चौड़ी साहब मज नहीं जी आती, आंदा इंशाला मंडी गया इंशाला जेब कटी गई। इवें दा काम नहीं होना चाहिए। इस वास्ते जो कल्ला अल्लाह चाहे ओ हुंदा, जो नबी चाहे वो नहीं हो सकता। नबी ते अल्लाह दी जात एक नहीं, अल्लाह दी जात खालक है, नबी दी जात मखलूक है, अल्लाह दी जात माबूद है, नबी दी जात आबद है, अल्लाह दी जात मस्जूद है, नबी दी जात जरिए साजद है, अल्लाह दी जात नू बकाए, नबी दी जात जरिए फना है। आइए जरा गौर कीजिए, पैगंबर दुनिया तो चले गए, अल्लाह 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 दी जात आज भी जिंदा जिंदा रहेगी। ऐ मेरा मसलक है, ऐ मनहज है, ऐ दावत है, ऐ पैगाम है दुनिया के नाम के लोगों, नबी ते अल्लाह दी जात एक नहीं, वो खालिक है, वो मखलूक है, उदा हर रिश्ता मौजूद है नबी अलैहि सलाम दा, अल्लाह दा कोई रिश्ता नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई कुनबा कबीला नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं, अल्लाह हर रिश्ते तो पा के अल्लाह तआला अमल दी तौफीक दे और सानू सारिआं नू तौहीद नू समझण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए और बिदात और खराफात तो अल्लाह बचण दी तौफीक दे। हूं मैं थक गया बात। वसीक الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها ففتحت ابوابها فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين। कुल अरअईतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल्लैल सरमदल इला यौमिल कियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइल अफला तस्मऊन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला तौकीन वस्सलातु वस्सलाम वला इबादिहिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।